पिछले दिनों हमने मोदी जी के साथ इंटरव्यू किया और वो बहुत फेमस हुआ, बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मुझे राहुल जी का फ़ोन आया कि भैया मेरे साथ भी इंटरव्यू करो, ऐसा ही मोदी जी जैसा। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, अब तो हम शूटिंग में बिजी हो गए। बोले नहीं, इंटरव्यू तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते। बोले लेकिन जगह वही होनी चाहिए, सारी चीज़ें वैसी होनी चाहिए, मोदी जी के बराबर। मैंने कहा ठीक है, इसलिए आज हमारे साथ राहुल जी आ गए। नमस्ते राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू, एकदम बढ़िया। नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं आपको बताता हूँ जी, आपने पिछली बार नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू किया जी, बेहद गलत किया। क्यों? क्योंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी मैं हूँ। हाँ। आपने किया मोदी जी के साथ जी, मोदी जी पॉलिटिकल आदमी है। अच्छा, अब देखिए मैं नॉन पॉलिटिकल कैसे हूँ। हाँ। मैं जो भी स्पीच देता हूँ, कोई भी मेरे को सीरियस नहीं लेता है, कोई भी मेरी बातें पॉलिटिकली सीरियस नहीं लेता है। तो देखिए भैया, नॉन पॉलिटिकल मैं हूँ। और दूसरी चीज, मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू। जैसे आप चिंता चिंता करते हैं जी, मैं भी चिंता चिंता करता हूँ। अच्छा। और मम्मी मेरी चिंता चिंता करती है। क्या बात है सर, जी। क्या बात। लेकिन वो स्टेप ऐसे था, आपने ऐसे ऐसे कर... जी हमारा ऐसे है। अच्छा, तो चलिए सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे जी। तो पहला सवाल कि आप अपने आप को एज ए पॉलिटिशियन आप कहाँ देखते हैं? आपने बात की आम की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, मैंने आम की कहाँ बात की, मैं तो बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल हिसाब से अपने मतलब। भाई आप सवाल चेंज कर रहे हैं, आप वही सवाल पूछिए जो आपने मोदी जी से पूछे थे। अच्छा। क्योंकि मैं वही याद करके आया हूँ। अच्छा, आप गलत पूछ रहे हैं, वही सवाल पूछिए भैया। अच्छा अच्छा, तो आइए सर आपसे वही सवाल मैं पूछता हूँ। आप ये बताइए कि क्या आप आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो किस प्रकार से खाते हैं, क्या आपको आम खाना पसंद है? देखिए भैया, हाँ, आप सिर्फ आम खाने की बात कर रहे हैं। हाँ। आम को छोड़िए। हाँ। हमने कुछ नहीं छोड़ा खाने के मामले है? हम देखिए 2G खा गए। अच्छा, कोयला खा गए, देश में बहुत सारी चीजें खा गए, हम कुछ नहीं छोड़ते हैं भैया। जी 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 सर, वो छोड़िए, वो सब छोड़िए जी। आप ये बताइए कि सब लोग कहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इस पे आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? सवाल अच्छा है आपका जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पॉलिटिकल हो रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल पूछिए। अच्छा जी, सॉरी सर, माय मिस्टेक। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? हुआ है। अच्छा, हुआ है, हुआ किस है? किससे? मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, और पूरे देश को जी बताना चाहता हूँ जी, कि मुझे प्यार हुआ है। अरे वाह, किससे हुआ है? वायनाड की जनता से। अमेठी से नहीं हुआ है? आप पॉलिटिकल हो रहे हैं भैया। अच्छा, नॉन पॉलिटिकल। अब मैं पॉलिटिकल हो रहा हूँ? बिल्कुल। किसका इंटरव्यू ले लिया यार। अच्छा सर, प्यार की बात हो गई तो आप ये बताइए कि शादी का विचार कभी आया, कि शादी करनी है नहीं करनी है, कैसे? आप फिर पॉलिटिकल हो रहे हैं भैया। अब इसमें पॉलिटिक्स की कहां बात आई? देखिए जी, आज आप शादी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ। कल को आप कहेंगे कि भैया आप शादी कर ली। हाँ। और प्रधानमंत्री बनोगे। हाँ। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे बीवी को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। फिर आप आरोप लगाओगे आपने बीवी क्यों छोड़ी, तो ये भैया पॉलिटिकल हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात है सर, क्या मतलब जवाब दिया है, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं जवाब कि ऐसा भी हो सकता है। खैर सर, ये बताइए कि जो ये कपड़ों का स्टाइल है आपका, ये जो आप ऐसे ऐसे करते हैं, ये मतलब कहाँ से अडॉप्ट किया आपने कपड़ों का स्टाइल? हमारी दीदी प्रियंका जी रैलियाँ करती है, नई नई राजनीति में आई हैं जी, साड़ियाँ भी नई सिलवाई हैं। हाँ। तो उनके जो पुराने कुर्ते थे वो ऐसे ही फ्री पड़े थे, मैंने पहन ली। फिट हो गए? फिट तो नहीं हुए, खुले खुले तभी लगते हैं ऐसे। क्या बात है, खुले खुले लगते हैं इसलिए आप ऐसे ऐसे करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बात बताइए कि जब हम कभी फ्री होते हैं तो हम घूमने जाते हैं अलग अलग जगह पे, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है घूमने के लिए? बैंकॉक। हैं, बैंकॉक? सॉरी सॉरी, आजकल चुनाव का माहौल, व्हाई नॉट? नहीं नहीं नहीं, बैंकॉक बोला मैंने, सॉरी, बैंकॉक। व्हाई नॉट बेस्ट जगह है। अच्छा जी, ठीक है चलो इसको। अच्छा सर, मोदी जी से हमने जब पूछा कि आप कितने घंटे सोते हैं, तो उन्होंने कहा कि 3-3.5 घंटे, तो आप कितने घंटे सोते हैं? मोदी जी झूठ बोलते हैं। क्यों? वो कहते हैं हाँ कि मैं पहाड़ों में गया, मंदिरों में गया। हाँ। मैं भी पहाड़ों में गया, मंदिरों में गया। पुजारी ने कहा कि भैया ये जो मोदी जी आते हैं। नहीं नहीं, आप समझ, ये पहाड़ों में कहाँ चले गए आप, मैं तो आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं वही आ रहा हूँ। हाँ। वही आ रहा हूँ मैं। हाँ। अब मैं आपका सवाल भूल गया। हंसा दिया मेरा मैंने, हंसाया आपको।
खुश किया मैंने। तो ताली मार दूं आपके लिए? मार दीजिए थोड़ा ऐसे। सर ये बताइए कि मोदी जी 3-4 घंटे सोते हैं, आप कितने घंटे सोते हैं? मैं सोता हूँ रात को, हाँ, और उठता हूँ जब मम्मी उठाती है। हाँ। मम्मी कहती है उठ जा बेटा, हाँ, काम पे चलना है। अच्छा। तो जब मैं सोता हूँ, हाँ, और जब उठता हूँ, हाँ, तो बीच में मुझे पता नहीं चलता मैं कितनी देर सोया हूँ। और ये बात मोदी जी को कैसे पता है भैया कि वो 3.5 घंटे सोए हैं? वो झूठ बोलते हैं। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि हमने टॉयलेट बनाई, हाँ, और 1,000,000,000 रुपए खर्चे हुए। हाँ। आपने कहा हमने टॉयलेट बनाई, हाँ, 1,000,000,000 रुपए कमाई हुई। हाँ। तो जब टॉयलेट में कमाई हो रही है तो मोदी जी खर्चा कहाँ कर रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूँ चौकीदार। अरे कोई नहीं बोलेगा। सर एक बात बताइए, अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए भैया, अगर अलाउद्दीन खिलजी का चिराग मुझे मिल जाए, जी वैसे मम्मी कहती है मुझे मिलना चाहिए, हाँ, और वो कहती है कि पिछले 70 साल से हमारे पास था। अच्छा। तो अगर मुझे चिराग मिला, हाँ, तो मैं 70 साल तक जाने नहीं दूंगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। सर अगला सवाल अब आपके। देखिए, हाँ, ये इंटरव्यू कितनी देर और चलेगा? क्यों सर, कहीं आपको जाना है? मैंने उधर भैया झूला देखा था जब आप इंटरव्यू मोदी जी का कर रहे थे, हाँ, तो मैंने झूला देखा था, वो झूला मुझे लेना है। एक दो सवाल और रहेगा, पहले झूला लेते ना भैया। अरे सर वो, अरे भैया झूला लेते हैं पहले यार।